कचौरी और कढ़ी का आनंद लिया जा रहा है। कचौरी और कढ़ी का बड़ा ही आनंद लिया जा रहा है। चलिए कचौरी और कढ़ी को देखते हैं। आह क्या बात है, कचौरी भी है और कचौरी के साथ खाटा। तो देखिए आप, बहुत शानदार कचौरी और कढ़ी। आह क्या बात है, क्या बात है, कचौरी और खाटा। देखो जाओ इधर देखिए, ओहो हो क्या बात है, सुबह सुबह का आनंद, कचौरी और खाटा ये मिल जाए तो क्या बात है। आह मजा आ गया। तो आप देखें कि कचौरी और कढ़ी का आनंद सभी ले रहे हैं। सुबह सुबह का समय है और कचौरी और कढ़ी, क्या बात है, कढ़ी खा रहे हैं सर। हाँ अभी हम हवा में नाश्ता कर, सुबह सुबह का समय हो और क्या बात है, कचौरी और कढ़ी आदेश भाई व्यवस्था कर रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। और हमारे साथ में आदेश भाई। हाँ जी साहब जी है, आदेश जी तो बहुत है, क्या बात है। हाँ इनका तो सही बच्चे, उनका तो कहना है क्या है, नहीं कहना था, आप लोगों का नहीं है भाई, क्या बात है, लोगों का जो सहयोग है उसी से चल रहा है। तो इधर भी देखिए कचौरी और कढ़ी चल रही है इधर भी। और जी तो सुबह सुबह का समय है, 8 बजी है और कचौरी और कढ़ी खाने का आनंद अलग है। इसमें कढ़ी नहीं है, कढ़ी अंदर चली गई। अनीत अंदर चली गई, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और आपके साथ तो और अच्छा लग रहा है। ओहो तो क्या करोगे आज, क्या प्लान है? जो रोजाना करते हैं भाई, आज करेंगे। आज दोसा जाना है, दोसा जाएंगे, वहाँ चलेंगे, डायरेक्टर के साथ मीटिंग करेंगे, परिवार के कलम के बारे में बताएंगे, ज्ञापन देंगे, फिर आगे निकल जाएंगे अगले दिन के लिए। इतनी मेहनत क्यों संदीप, इतनी मेहनत क्यों? गरीबों के लिए करनी पड़ती है, अभी जो अपना हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, अभी मेहनत नहीं करेंगे तो हम कौन करेंगे? अब नहीं तो कब? तो देखें आप संदीप, जिस उम्र में आपने शरीर पे अंकुश नहीं लगा सकते, घूमने फिरने के मौज मस्ती के दिन और समाज सेवा चल रही, माता पिता भाई सबको छोड़ के तो देखिए तमाम हमारे जो साथी हैं सब साथ में हैं, कड़ी का आनंद ले रहे हैं और सभी अपना परिवार घर बार सभी छोड़ कर देखिए किस प्रकार लोगों के हित के लिए, लोगों के संघर्ष के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, संघर्षशील हैं सभी। जब 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 कानून बने या नहीं बने, लेकिन संघर्ष कभी कम नहीं होने वाला, लगातार लड़ाई लड़ी जा रही है। और परिस्थिति कभी कभी ऐसी भी हो जाती है, विकेट हो जाती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारना। क्यों संदीप? आप जो कहते हो सही कहते हो, कुछ नहीं हो जी, कब आएंगे ले लूँगा। तो हिम्मत और संघर्ष, आपने देखा कि कोई ये नहीं कह रहा है कि मुझे ये नहीं, कोई शिकायत कर रहा है क्या? नहीं, कोई शिकायत नहीं, शिकायत एक ही है कि बस कानून बन जाए। बहुत बढ़िया बात है कि देखिए कोई चाय दे रहा है तो कोई कचौरी तो कोई खाटा, कोई खाने का आनंद ले रहा है तो कोई खिलाने का। वाह भाई ये संघर्ष लगातार चल रहा है और संघर्ष में क्या सफलता है और असफलताओं का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे बंदे जो भी आए हम उनको बिना परवाह किए लगातार संघर्ष करते रहेंगे, बहुत ऐसे मोड आएंगे जिन पर हमें मतलब वापस निराश होंगे, लेकिन हम किसी निराशा का सामना नहीं करेंगे, बस यही है कि बढ़ते जाएंगे। पिछली बार जब हम लोगों ने यात्रा निकाली थी, कड़कती हुई सर्दी और तड़कती हुई सर्दी, तो सर्दी गर्मी बरसात, अब भी बरसात हो रही है, कितनी गर्मी है, लेकिन हम भी मतलब इन सब चीज़ों की बिना परवाह किए आगे बढ़ते जा रहे हैं,
जवाब जब तक जवाब कानून नहीं आएगा तब तक हम किसी चीज़ की परवाह ना करते हुए हम संघर्ष करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे संदीप जी, जिन्होंने पूरा मूल्यांकन किया कि बहुत लंबे समय से सर्दी गर्मी वर्षा बैठे हैं और यहाँ पर हम कचौड़ी और समोसा का नाश्ता कर रहे हैं और हमारे जो साथी हैं गोविंद भाई वो अच्छे से वीडियो बना रहे हैं, सभी से मुलाकात कर रहे हैं, संपर्क बना रहे हैं और इनका अच्छा सुझाव भी रहता है कि कोई भूल भी जाए तो वो बता देते हैं कि ये आपने नहीं बोला है, आपका पार्सल अधूरा रह गया तो आपकी बार अगली बार सुधार हो, इसमें सुधार हो तो यही आशा करते हैं। आगे और हमें सलाह देते रहे और हमारी यात्रा को सफल बनाते रहे। और यहाँ से हम अभी नाश्ता करने के बाद में एक मीटिंग रखेंगे जो हमारा कल का आज दिन का पूरा अपडेट वो रहेगा, उसमें कि क्या क्या हम काम करेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ से रैली होगी, ट्रैक्टर से कितने बजे मिल जाएंगे और उपस्थिति देखी जाएगी कि आज कौन से साथी जा रहे हैं, कौन से आ रहे हैं, यही सारा अपडेट आज का भी रहेगा। बस यही कहना चाहता हूँ। और कोई अपने साथ जोड़ना चाहता हूँ जोड़ सकते हैं तो देखिए, खाटे के साथ कड़ी का आनंद ले रहे हैं और साथ साथ में दोनों ही काम चल रहे हैं, बातें भी चल रही है। और हाँ बताइए मैडम, आप मन में कुछ है? कुछ भी नहीं है मन में, अच्छा अरेंजमेंट था इंदिरा रसोई में, बढ़िया नाश्ता वगैरह अच्छा। और ये जगह का नाम नहीं बताया, इंदिरा रसोई, लेकिन महुआ नाम है, महुआ इंदिरा रसोई है जिसमें हम नाश्ता करेंगे। तो महुआ से सीधा आप दृश्य देख रहे हैं, महुआ दोसा में पड़ता है, नगर पालिका है और नगर पालिका में क्या नाम था भाई साहब का? केले भी आ गए अब लो। क्या बात है, देखो केले खाओ, केले साथ में खाए। तो साथियों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे इन साथियों के जज्बे के लिए जय हिंद या जिंदाबाद जरूर लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि ये वीडियो लोग देखिए किस प्रकार से हमारे साथ में ये वरिष्ठ साथी है। वहाँ पे हम दीपावली आंदोलन के सभी यात्री रुके हुए हैं और हमारा यहाँ की व्यवस्था आज भी बहुत अच्छी है और हम आगे के लिए हम प्रस्तुत होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए वरिष्ठ साथी है और वरिष्ठ साथी भी कह रहे हैं कि आंदोलन का हिस्सा है और आंदोलन के हिस्से में सभी। देखिए कचौरी और केले का बड़ा ही आनंद, बहुत ही मार्मिक, क्या बात है। और भाई दुर्गेश, हाँ जी, तो ये कानून बने ना बने लेकिन संघर्ष बड़ा ही जोरदार किया जा रहा है, संघर्ष जारी है, संघर्ष लगातार जारी है। ये हम गहलोत से मांग कर रहे हैं अभी तो, ये राजस्थान के लिए और फिर बाद में इसको यहाँ हो जाए उसके बाद केंद्र तक आवाज उठाएंगे पूरे भारत में, यही हमारा और आगे आंदोलन जारी रहेगा, बढ़ता रहेगा, एक बार शुरुआत हो जाए बस। जैसे पहले आरटीआई की शुरुआत हुई थी, नरेगा की शुरुआत हुई थी, वैसे ही जवाबदेह आंदोलन कानून की मांग शुरुआत करे तो इसी से होगा, ये चल रहा है और कानून लेके रहेंगे, ये कानूनों का कानून है क्योंकि संविधान में जो चीज़ लिखी है उसको किताबों में दबाया जा रहा है, बाहर नहीं ला रहे हैं लोगों के लिए, तो ये किताबों से बाहर निकले और कानून बन के आए जिसका फायदा मिले, अधिक से अधिक जो जनता है वो सहयोग करे। तो देखिए दुर्गेश ने सारी बात क्लियर की है, देना तो पड़ेगा, कानून को बिल्कुल देना पड़ेगा और कानून के संघर्ष के लिए हमारे सारे साथी, देखिए कितना बड़ा योगदान है। कल इतिहास के पन्नों में मेरे सब साथियों का नाम आए, देखिए जितने भी है, कोई हनुमानगढ़ से है, कोई बीकानेर से है, कोई किशनगढ़ से है, कोई कोटा से है, कोई बूंदी से है, राजस्थान के कोने कोने से और बाहर से भी लोग आए हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कानून के इन पन्नों में इन भाइयों का भी नाम जरूर दर्ज हो ताकि सुनहरे अक्षरों में हम भी ये कहें कि हमारे भाइयों ने संघर्ष किया। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे इन भाइयों का अगली आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद, जिंदाबाद।